بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون نازلين الكرام الله مالك الملك इंसान को बड़ा ही ख़ूबसूरत सांचे में पैदा किया है अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानी तख्लीक़ को बड़ा ही आमदा बनाया है इंसानी जिस्म के अज़ा में से ज़ुबान को एक अहमियत हासिल है अल्लाह ताला ने नरम और मुलायम ये गोश का टुकड़ा जो इंसान को अता किया है जिसकी मदद से इंसान अपना ज़मीर बयान करता है इसकी नरमी और इसका मुलायम होना इस बात का तकाजा करता है इसके इस्तेमाल में भी नरमी ही रखी जाए इरशाद रब्बानी है कल यकूल लती ही अहसन एसर ताज रसुल्ल वसल्लम मेरे बंदों से ये कह दो लती ही अहसन बात जब भी करें तो अच्छी करें बुरी बात बेहुदा गुफ्तगु या गाली देना एक मुसलमान का शेवा मुल्क हर मुसलमान को अपनी ज़ुबान की हिफाजत की तोहफ़ी कता फरमाए नाजरीन किराम आज हमारी गुफ्तु का महवर है गाली और उसकी मजम्मत अरबी ज़ुबान में गाली को असब कहा जाता है ये सब यब्बन से है जिसका मतलब है किसी को सख्त बुरा भला कहना सब अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है रस्सी काटना इंसान जब किसी को बुरा भला कहता है गाली देता है तो हकीकत में उससे ताल्लुक़ तोड़ने वाली बात कर रहा है सब बल्फासा घोड़े की कूंचे काटना गाली देने वाला अपनी दीनी मोहब्बत खतम कर बैठता है और अगर साबहू के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो उसका मतलब होता है बेइज्जती करना एक मोमिन की इज़्ज़त तो बैतल्ला से भी ज़्यादा है जैसा कि रसूल वसल्लम ने फ़रमाया लहरमतमिन आदम आइंद हरम तमिन एक मोमिन की हरमत और उसकी इज्ज़त ए बैतुल्ल तुझसे ज़्यादा है तो जब कोई किसी की बेइज्जती करना चाहता है तो वो ख़ुद इज्जत नहीं पा सकता अरबी ज़ुबान में तसाबर रजुलान एक दूसरे से ताल्लुक़ तोड़ने पर बोला जाता है और उलमा लिखते हैं कुल्लु कलामिन कबीह हर बेहुदा और गंदी बात को गाली कहा जाता है और बाज़ुल ने गाली के मुतालिक ये लिखा है वह हुआ बिमा यकरा किसी के साथ इस अंदाज से हम कलाम होना जिसको वो ना पसंद करे यही बुरी बात गाली कहलाती है अरबी ज़ुबान में एक शख्स जब अपनी ज़ुबान के अंदर एवजाज ले आए और ऐसी गुफ्तु को अपना शेवा बना ले जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जिससे किसी के इज़्ज़त पे हरफ़ आए या किसी शख़्स के तश्स में फ़र्क आए उसको गाली कहा गया है इसलिए अल्लाह सुबहाना वाली ने इस बात का हुक्म दिया तसबालदीन दून अमिंदून ला वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं उनको गाली न दो ज़िम्मेदारी तो ये है इन आल के अलबिलान सुन्नत की रोशनी में गुफगू उनके सामने रखी जाए गाली न दी जाए फैसबल्ला आद बैर वो तो बेल है वो इस लाई और जहालत की वजह से हकीी रब को अल्ला मालिकमुल को गाली देंगे कताद इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं क्या नमुस्लिमू नब्बु न असनालकुफ़ार फन हो मुसलमान काफिरों के मबोदा बातल को बुरा भला कह करते थे जिससे उनको मना कर दिया गया और जज्जाज़ कहते हैं नुहनम अल्लाबहलमुशर खून मुसलमानों को इस बात से मना कर दिया गया कि तुम अपने अखलाक को अपने तशखस को बिल्कुल ना घिराओ लान तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि उनको शरात मस्तकीम की निशानदेही करता उन असनाम और बुतों को लानत करने से मना किया गया जिनकी पूजा मुशरक़ी ने मक्का किया करते थे क़ुरान मजीद में अल्लाह मालिकुल मुल्क एक और पराए में इस बात को बयान करते हैं फरमाया वूनती बरी मख्सम वो लोग जो मोमिनों को ख़ा मर्द हों या औरतें उनको दुख देते हैं उनका गुनाह कोई नहीं

जैसा कि लकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की कि अपनी आवाज़ को पस्त रखना बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ जो किसी के लिए तकलीफ़ दे साबित हो सकती है याद रखना सबसे बुरी आवाज़ तो गधे की आवाज़ है रसूल आलिहि वसल्लम ने फरमायाब्दुल्ला अपने आमर तआला रजाल्ल्ला रिवायत करते हैं और बान मन कफ़ी ही क्या मुनाफी कन खालसा वमन क्या फ़ी ही खसलत उम्मिन क्या फ़ी ही खसलतु उमिन चार चीज़ें जिस शख़्स के अंदर आ जाए उस में मुनाफिकत की खसाइल आ जाएंगी उस में मुनाफिकत की खसलतें आ जाएँगी और इसमें एक भी खसलत हुई चार चीज़ें जिसमें आ जाएं वो खालिस मुनाफिक बन जाएगा और अगर उन चार में से कोई भी उसके अंदर पैदा हो जाए तो वो नफा की खसनत होगी हत्या यद जब तक उसको छोड़ नहीं देता तुम इना खान जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे हद सा कह जब बात करे तो झूठ बोले वहीद आहद गा जब दो पी मांग करे तो वजा खिलाफ़ी करे वास म फारा और जब झगड़ा हो तो गाली पे उतर आए जाबिर बिन सबरा रजी अल्लाह तु से मरवी है रसूल सल वाल वसलम ने फरमायाफ़श वश लई सन इस्लाम फ़िश फाशी और फोश गोई का इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है वान्न इसमा अहसन खुल्का और इस्लाम के अतबार से सबसे बेहतरीन लोगों में से वो है जिसका अखलाक अच्छा हो जो अपनी ज़ुबान की हिफाज़त करने वाला हो जो पाकिज़ा गुफ्तु करने वाला हो नाजरीन कराम अभी चंद लम्हात का वक्फा होगा वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे